नमस्कार, देखिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भयानक और खौफनाक मंजर है। ये पुली का हिस्सा था जो ये टूट चुका है आधे से ज्यादा, और देखिए सड़क के दूसरी तरफ का रास्ता भी प्रभावित हुआ है इसकी वजह से, और ना ही यहाँ से निकलेंगे, रिस्क लेकर लोग निकल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, प्रशासन की तरफ से इस खतरनाक हिस्से पर कोई रोक नहीं लगी, लोग निकल रहे हैं और कभी भी ये हिस्सा टूट करके गिरता है, थोड़ा ही हिस्सा बचा हुआ है। रुकना चाहिए, लोगों को रुकना चाहिए यहाँ पर, या कोई इस तरह की कोई टेम्परेरी पुली वगैरह की व्यवस्था हो जाए थोड़ी बहुत, वरना तो यहाँ काफी रिस्क है और पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर लोहे के जो गार्डर वगैरह रख के ही यहाँ क्रॉसिंग करवाई जा सकते हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं। प्रशासन को देखना चाहिए अब ये, क्योंकि ये जो काम है लोग छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पुली बनाने की बात है प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, गार्डर वगैरह रख के यहाँ टेम्परेरी व्यवस्था आर पार होने की, कम से कम आदमी पैदल या बाइक निकल जाए इतना होना चाहिए। स्पीड क्या है पानी के अंदर जो है, इन तस्वीरों में हम दिखा दें कि पानी के अंदर किस तरह से बहुत ज्यादा स्पीड पानी की यहाँ देखी जा सकती है। और ये पत्ते जो है एक बार गिराकर हम इन पत्तों को पीछे की तरफ गिरा रहे हैं पानी में, और ये देखिए कुछ और चीज जो है वो गिराने की कोशिश करके दिखाते हैं कि वो लकड़ी का टुकड़ा उठा के डालें पानी में, वहाँ फेंक दें अंदर, हवा लगी है, और ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत किस निकली है, स्पीड से निकली है, जैसे बहुत ही तेजी से यहाँ से फसलें निकलती जा रही हैं। रोहित जी आप कह रहे हैं आवाज ठीक नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं कि आवाज ठीक आए, लेकिन नेटवर्क कम होगा तो शायद आवाज ठीक नहीं आ पाएगी। फिर भी आपको बता दें कि पुलिया का टुकड़ा जो है वो टूट चुका है, और पुलिया का टुकड़ा उससे बाइक निकाले जा रहे हैं, पर काफी रिस्की काम किया रहा है। नमस्कार, देखिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो भयानक और खौफनाक मंजर है। ये पुली का हिस्सा था जो ये टूट चुका है आधे से ज्यादा, और देखिए सड़क के दूसरी तरफ का रास्ता भी प्रभावित हुआ है इसकी वजह से, और ना ही यहाँ से निकलेंगे, रिस्क लेकर लोग निकल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, प्रशासन की तरफ से इस खतरनाक हिस्से पर कोई रोक नहीं लगी, लोग लेकर निकल रहे हैं, और कभी भी ये हिस्सा टूट करके गिरता है, थोड़ा ही हिस्सा बचा हुआ है। रुकना चाहिए, लोगों को रुकना चाहिए यहाँ पर, या कोई इस तरह की कोई टेम्परेरी पुली वगैरह की व्यवस्था हो जाए थोड़ी बहुत, वरना तो यहाँ काफी रिस्क है और पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर लोहे के जो गार्डर वगैरह रख के ही यहाँ क्रॉसिंग करवाई जा सकते हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं। प्रशासन को देखना चाहिए अब ये, क्योंकि ये जो काम है लोग छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पुली बनाने की बात है प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, गार्डर वगैरह रख के यहाँ टेम्परेरी व्यवस्था आर पार होने की, कम से कम आदमी पैदल या बाइक निकल जाए इतना होना चाहिए। स्पीड क्या है पानी के अंदर जो है, इन तस्वीरों में हम दिखा दें कि पानी के अंदर किस तरह से बहुत ज्यादा स्पीड पानी की यहाँ देखी जा सकती है। और ये पत्ते जो है एक बार गिराकर हम इन पत्तों को पीछे की तरफ गिरा रहे हैं पानी में, और ये देखिए कुछ और चीज जो है वो गिराने की कोशिश करके दिखाते हैं कि वो लकड़ी का टुकड़ा उठा के डालें पानी में, वहां फेंक दें अंदर, हवा लगी है, और ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत किस निकली है, स्पीड से निकली है, जैसे बहुत ही तेजी से यहाँ से फसलें निकलती जा रही हैं। रोहित जी आप कह रहे हैं आवाज ठीक नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं कि आवाज ठीक आए, लेकिन नेटवर्क कम होगा तो शायद आवाज ठीक नहीं आ पाएगी। फिर भी आपको बता दें कि पुलिया का टुकड़ा जो है वो टूट चुका है, और पुलिया का टुकड़ा उससे बाइक निकाले जा रहे हैं, पर काफी रिस्की काम किया जा रहा है।